भिवंडी महापौर प्रतिभा पाल के द्वारा आयोजित आम सभा की बैठक हुई। सुमित पाटिल को भिवंडी नगर निगम के सदन के नेता के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई। इस घोषणा के सुनते ही भाजपाई पार्षदों और कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर उमड़ पड़ी। इस अवसर पर भिवंडी के कई पार्षदों ने शुभकामनाएं दी। भिवंडी से अमृत शर्मा की रिपोर्ट। आज मैं मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने आज मुझे मेरे ऊपर जो जवाबदारी दी है, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष सत्यजीत शेट्टी, हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल, हमारे आमदार महेश जी चौगुले, सभी मेरे साथी नगर सेवक अपनेता हनुमान चौधरी, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी अनुभवी नगर सेवकों को मैं प्रथमतः धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो विशेषतः महापौर मैडम जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज मेरी सभागृह नेता पद नियुक्ति की। इसके लिए मैं विलास पाटिल और पुनाक विकास आघाड़ी उनका देखिए आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथी महेंद्र जी गायकवाड़ जो आरपीआई के अध्यक्ष है और आरपीआई पार्टी हमारे साथ युति में लड़ी है, उनका भी मैं मेरे तरफ से, मेरे पार्टी के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे पार्टी ने एक नई जवाबदारी दी है, तो जवाबदारी पार्टी का काम कारपोरेशन प्रशासन से कैसे, नगर सेवक और कार्यकर्ताओं का काम कैसे करें, ये अगर जो सभागृह नेता मुझे पद मिला है वो पद लोगों को, पार्टी के लोगों को न्याय देने का काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले समय में जो भी पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कारपोरेशन के रिलेटेड जो भी काम रहेगा, सभी हम नगर सेवक मिल के उसका समाधान करेंगे, उसका निराकार करेंगे। और जो भी विकास का विषय रहेगा कारपोरेशन का, उसके लिए सभी हम चढ़ बढ़ के सभी नगर सेवक हिस्सा लेंगे। और हमारे सभी मार्गदर्शक, हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल जी पटेल, महेश जी चौगुले, हमारे संतोष जी शेट्टी, सभी सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी उन्होंने दी, वो जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभाऊंगा, इसी मैं आपके चैनल से वायु देता हूँ।